Hello and welcome to the Attitude Academy. I am Turab. Today we are discussing about ITR 4. तो आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे कि ITR 4 जो कि स्मॉल बिजनेसमैन के लिए है या प्रोप्राइटरशिप आप चलाते हैं तो उनके लिए है, तो कैसे करें. ठीक है, सबसे आसान तरीका मैं आपको आज वीडियो के माध्यम से बताऊंगा. हम इंडियंस की आदत है कि कोई भी काम करने के लिए लास्ट डेट का इंतजार करते हैं, तो लास्ट डेट का इंतजार मत कीजिए. अगर आपकी ITR पेंडिंग है तो आप उनको फिल कीजिए. तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि कैसे ITR 4 को भरना है. तो शुरू करते हैं. सबसे पहले आपके पास कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि अब ITR में कुछ चीजें इंप्लीमेंट कर दी गई हैं. तो मैं यहाँ पे एक बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग अकाउंट के माध्यम से मैंने बनाया है. जैसे मेरा ओपनिंग बैलेंस मैंने जीरो दिखाया कि ओपनिंग बैलेंस मेरा जीरो था. आपका स्टॉक का बैलेंस अगर कुछ है तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं. मेरी जो पूरे साल में सेल हुई है वो हुई है 15 लाख रुपए की, और परचेज जो थी वो मेरी 12 लाख रुपए की थी. तो ग्रोस प्रॉफिट मेरा 3 लाख रुपए आया है. ठीक है, जो मेरे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस थे वो 42,000 रुपए थे. तो मेरा जो नेट प्रॉफिट है 2,58,000 रुपए आया है. ठीक है, अब बैलेंस शीट मैंने यहाँ पे दिखा रखी है. मैंने कैपिटल लगाई थी 5 लाख रुपए की, फिक्स एसेट मेरी 2,20,000 रुपए की थी. मेरे पास इन्वेंट्रीज में क्लोजिंग स्टॉक जीरो है, सेंडिंग क्रेडिटर्स जीरो है. उसके बाद बैंक बैलेंस मेरा 1,30,000 रुपए है. कैश इन हैंड मेरे पास 1,00,000 रुपए है. अदर असेट्स व्हीकल्स मेरे पास 50,000 रुपए की हैं. तो टोटल मेरा ये बैलेंस शीट हो गया. तो अब आपको कैसे ITR में इसको इंप्लीमेंट करना है या कैसे भरना है वो आज हम देखेंगे इस वीडियो में. तो चलिए शुरू करते हैं. तो यहाँ पे आपको टाइप करना है इनकम टैक्स इंडिया efiling.gov.in. ठीक है, ये हमारी गवर्नमेंट वेबसाइट है जहां पे हम जाकर ITR भरते हैं. अगर आप पहले से रजिस्टर्ड पर्सन हैं तो आपके पास आपका यूजर आईडी और पासवर्ड होना चाहिए. यूजर आईडी आपका पैन नंबर होता है और पासवर्ड जो आपने सेट किया है वो होगा. अगर आप फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करने के लिए इसको हम यहाँ से काट देते हैं. तो फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन अगर आप कर रहे हैं तो यहाँ पे न्यू टू ई फाइलिंग रजिस्टर्ड योर सेल्फ पे आप क्लिक करेंगे. हम पहले से रजिस्टर्ड हैं तो यहाँ पे लॉग इन हेयर पे क्लिक करेंगे. मैंने यहाँ पे लॉग इन हेयर पे क्लिक किया है. यहाँ पे आपको डालना है अपना यूजर आईडी. यूजर आईडी होता है आपका पैन नंबर. तो जो भी पैन नंबर आपका है वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे मेरी तरह. इस तरह से ये मैंने अपना पैन नंबर यहाँ पे डाल दिया है. पासवर्ड जो भी आपने सेट किया था वो आपको यहाँ पे पासवर्ड डालना है लाइक दिस. उसके बाद ये जो कैप्शन कोड आ रहा है वो आपको यहाँ पे फिल करना है. जिस फॉर्म में है, अगर कैपिटल फॉर्म में है तो कैपिटल फॉर्म में रखना है. ठीक है, देन यहाँ से लॉग इन पे आपको क्लिक करना है. जैसे आप लॉग इन करेंगे डैशबोर्ड आपका ओपन हो जाएगा. डैशबोर्ड ओपन होने के बाद यहाँ पे ई फाइलिंग फॉर्म्स, अगर आपने पहले से कोई ई फाइलिंग की हुई है तो वो आपको यहाँ पे शो कर देगा. ठीक है, आपसे पूछेगा आप किस फॉर्म्स को देखना चाहते हैं. ठीक है, वो आप यहाँ चूज कर लेंगे. ठीक है, अदरवाइज आप यहाँ ई फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करके भी जा सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे इनकम टैक्स रिटर्न आ रहा है, यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे. ठीक है, असेसमेंट ईयर में जिस असेसमेंट ईयर की आप भर रहे हैं, अब मान लीजिए असेसमेंट ईयर को समझना बहुत जरूरी है. एक होता है प्रीवियस ईयर, एक होता है असेसमेंट ईयर. प्रीवियस ईयर जिस की हम रिटर्न फिल कर रहे हैं, असेसमेंट ईयर जिसमें हमने इनकम को कैलकुलेट किया है. लाइक आप 18-19 में इनकम अर्न की है आपने, तो उसको आप 19-20 में फिल करेंगे, रिटर्न फिल करेंगे. या अगर हम बात करें 17-18 आपका प्रीवियस ईयर है तो 18-19 जो है वो आपका असेसमेंट ईयर होगा. तो अभी हमारे लिए असेसमेंट ईयर है 19-20, क्योंकि हम 18-19 की फिल कर रहे हैं. ITR 4 हम फिल कर रहे हैं तो यहाँ पे ITR फॉर्म सेलेक्ट करेंगे. उसके बाद यहाँ पे ओरिजिनल या रिवाइज रिटर्न पे आप क्लिक करेंगे. उसके बाद अगर आप सबमिट कर रहे हैं ऑनलाइन तो यहाँ पे प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे. अगर आप यूटिलिटी के थ्रू कर रहे हैं तो अपलोड XML फाइल पे आप क्लिक करेंगे. मैं ऑनलाइन बता रहा हूँ आपको, सबसे आसान तरीका है ये. तो यहाँ पे प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन पे आप क्लिक कर देंगे. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये कुछ नेचर्स हैं, इन पे आप टिक कर लेंगे. लाइक एम्प्लॉयर नेचर है आपका, हाउस प्रॉपर्टी है तो आप यहाँ पे टिक कर लेंगे. हाउस प्रॉपर्टी नहीं है तो आप यहाँ पे खाली भी छोड़ सकते हैं. बैंक डिटेल आपको भरना है और रिबेट आपको चाहिए. देन आप यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे. कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो ये सारी डिटेल्स आपकी यहाँ पे आ जाएंगी. ठीक है, ये सारी डिटेल्स हैं आपकी.
ठीक है, जनरल इन्फॉर्मेशन पे हम क्लिक करते हैं। तो जनरल इन्फॉर्मेशन में कुछ डिटेल्स पहले से फिल होती हैं, लाइक आपका नेम, आपका फादर्स नेम, वार्ड नंबर, ये सारी चीजें पहले से भरी हुई हैं। आप नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नेचर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आप चूज करेंगे। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आप यहाँ पे अदर्स ले लेता हूँ क्योंकि मेरा प्रोप्राइटरशिप है, तो यहाँ पे मैंने अदर्स कर ली। अब यहाँ पे आ रहा है 139 ब्रैकेट में 1 ऑन बिफोर ड्यू डेट्स। अगर आप 31 जुलाई से पहले करें तो ऑन बिफोर ड्यू डेट्स आएगा, अगर 31 जुलाई की बात कर रहे हैं तो आफ्टर ड्यू डेट्स आएगा। अभी मैं 31 जुलाई से पहले कर रहा हूँ तो यहाँ पे ऑन बिफोर ड्यू डेट्स हमने लिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वेदर दिस रिटर्न इज बीइंग फिल्ड बाय एन रिप्रेजेंटेटिव, अगर मेरी जो ये रिटर्न है कोई और फिल कर रहा है तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव को मैं यस कर दूंगा, अदरवाइज हम नो रखेंगे, बाकी फिर उसकी डिटेल डालनी पड़ेगी। इसको हम यहाँ से सेव कर लेते हैं, टाइम टू टाइम आपको सेव करते रहना चाहिए ताकि आपका डाटा जो आपने फिल कर दिया वो मिस ना हो। उसके बाद इनकम डिटेल्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इनकम डिटेल्स आती हैं हमारी, ये सारी इनकम डिटेल्स हैं, इसको हम बाद में फिल करेंगे। सबसे पहले बिजनेस एंड प्रोफेशंस पे क्लिक कर लेते हैं। बीपी का मतलब होता है बिजनेस एंड प्रोफेशंस। आपने जो इनकम अर्न की है वो किस नेचर ऑफ बिजनेस से अर्न की है वो यहाँ से आप चूज कर लेंगे। अब मेरी लाइक जस्ट डेयरी है तो डेयरी को यहाँ पे हम ले लेंगे रेजिंग ऑफ एनिमल एंड प्रोडक्ट्स फॉर द एनिमल प्रोडक्ट्स, ये हमने क्लिक कर लिया। नेचर ऑफ बिजनेस, नेम ऑफ बिजनेस तभी भरे जब आपने रजिस्टर्ड बिजनेस लिया हुआ है, रजिस्टर करा रखा है, तो आप यहाँ पे नेम ऑफ बिजनेस भरें एंड देन उसका डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। अगर आपने नहीं लिया हुआ है तो आप यहाँ पे ना डालें तो ज्यादा बेटर है। उसके बाद आता है यहाँ पे E1 और E2। E1 में हमें जो इनकम हमने पूरे साल में अर्न की है वो थ्रू टू सारी डिजिटल पेमेंट में है या फिर मोड ऑफ कैश है। तो अगर डिजिटल मोड में है तो आप फर्स्ट वाले कॉलम में भरेंगे, E1 के ए पॉइंट पे भरेंगे। अगर आपकी कैश मोड में है तो आप यहाँ पे भरेंगे, ठीक है। मेरी सारी कैश मोड में है तो मैं यहाँ पे भरूंगा। मैंने जो सेल अर्न की है वो है 15 लाख रुपए, तो हम यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप मैनुअली फिल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया 15 लाख रुपए, ठीक है। उसके बाद अब 15 लाख रुपए हमने कैश से अर्न किए हैं तो इसलिए हमारा यहाँ पे 8% हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका 8% हम कैलकुलेट, 1% से कम नहीं होना चाहिए, 8% से ज्यादा हो सकता है आपका जो भी आपका नेट प्रॉफिट है। मेरा नेट प्रॉफिट है 2,58,000 रुपये, तो मैं यहाँ पे 2,58,000 रुपये डाल दूंगा। बस इस बात का आपको ध्यान रखना है, ये आपका 8% से कम नहीं होना चाहिए, अगर 8% से कम है तो आपको ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे आता है, अगर आपकी इनकम जो है वो प्रोफेशन से हो रही है, लाइक आप डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर हैं या ऑडिटर्स हैं, तो वो आप इस कॉलम को फिल करेंगे, ठीक है। अगर नहीं है तो आप इसको छोड़ देंगे, ये हमारे लिए नहीं है, ठीक है। कंप्यूटेड प्रेजम्प्टिव इनकम अगर आपकी है तो आप यहाँ पे भरेंगे, ठीक है। अगर आपने कोई जीएसटी नंबर्स वगैरह लिया हुआ है तो वो जीएसटी नंबर आप यहाँ पे डालेंगे और उसकी डिटेल्स यहाँ पे बताएंगे आपकी एनुअल टर्नओवर कितनी है। उसके बाद आप पेरेंटल मेंबर्स ओनर्स कैपिटल कितनी थी, कैपिटल आप यहाँ पे बताएंगे। मैंने 5 लाख रुपए लगाई थी जो कि हम यहाँ से चेक कर सकते हैं, ये मेरी 5 लाख रुपए कैपिटल थी, ठीक है। अनसिक्योर्ड लोन और सिक्योर्ड लोन हमारे पास नहीं है, एडवांस हमने किसी को पे नहीं किया। सैलरी क्रेडिटर्स से मुझे अभी किसी का कुछ लाइबिलिटी मेरे ऊपर है नहीं तो मैं छोड़ दूंगा। फिक्स असेट कितनी है मेरी वो मैं यहाँ से चेक कर लेता हूँ। 2,20,000 रुपये की मेरी फिक्स असेट थी तो यहाँ पे मैं 2,20,000 रुपये की अपनी फिक्स असेट दिखा दूंगा। इन्वेंट्री मेरे पास नहीं है, सैलरी क्रेडिटर्स मेरे पास नहीं है, बैंक बैलेंस मेरे पास 1,30,000 रुपये है, वो आप यहाँ पे मैं भरूंगा। ये यहाँ पे मैंने दिखा रखा है 1,30,000 रुपये मेरा बैलेंस है, ठीक है। उसके बाद कैश इन हैंड मेरे पास कितना है वो यहाँ पे मैंने दिखा रखा है 1 लाख रुपए, तो मैं यहाँ पे 1 लाख रुपए अपना दिखा दूंगा, ठीक है। बहुत ही ध्यान से आपको बढ़ना है सारी चीजें। अदर असेट मेरे पास हैं, अदर असेट मेरे पास हैं 50,000 रुपए की, लाइक मेरी मोटरसाइकिल है उसकी वैल्यू 50,000 रुपए है, ठीक है। तो ये मेरी 5 लाख रुपए हो गई, ठीक। इसको आप यहां से सेव कर देंगे। उसके बाद जैसे आप इसको सेव कर देंगे, अब अगर आप इनकम डिटेल्स पे आएंगे तो यहाँ पे आपकी इनकम पहले से ही बिजनेस एंड प्रोफेशन से आ गई होगी। उसके बाद आपने अगर कोई सैलरी से इनकम अर्न की है, लाइक आपको सैलरी भी मिल रही है, तो वो आप यहाँ से ले लेंगे, ठीक है। अगर आपकी कोई सैलरी है तो मैं यहाँ पे सैलरी दिखा रहा हूँ अपनी, मेरी सैलरी थी 2,40,000 रुपये, वो मैंने यहाँ पे दिखा दी अपनी, ठीक है। अदर कोई इनकम नहीं है मेरे पास, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे अगर कोई इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से हो रही है आपको, तो वो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं, अपनी हाउस प्रॉपर्टी सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आपने किराए पे दे रखी है तो, ठीक है। उसके बाद आप आ जाते हैं नीचे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स अगर आपके पास कोई है तो वो आप यहाँ पे दिखाएंगे। मेरे पास है, जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, मेरे पास इनकम है 10,000 रुपये की मेरी, जो कि मुझे सेविंग बैंक अकाउंट से मिल रही है, तो वो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट, इसको मैं यहाँ पे अमाउंट दिखा दूंगा 10,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद इसको मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे अपना ग्रॉस प्रॉफिट सही रखना है, ठीक है। ये हो गई मेरी 10,000 रुपये की इनकम। उसके बाद आ जाते हैं, अगर 80C से लेके 80U तक की कोई डिडक्शन है, लाइक लाइफ इंश्योरेंस आपने लिया हुआ है तो उसका अमाउंट आप यहाँ पे भर सकते हैं, पेंशन स्कीम आपके पास है या फिर अदर कोई डिडक्शन आप लेना चाहते हैं तो अगर आपके पास उसके डॉक्यूमेंट प्रॉपर हैं तो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं, अदरवाइज नहीं है तो आप यहाँ पे नहीं दिखाएंगे, ठीक है। ये हमने डिटेल्स भर दी यहाँ पे, उसके बाद इसको यहाँ से सेव कर लेंगे। अब हमारा टैक्स बन रहा है 13,280 रुपये, ठीक है। 80 TTA की डिडक्शंस दिखा देंगे यहाँ पे क्योंकि हमने 10,000 रुपये अपनी अदर सोर्स से इनकम दिखाई है, तो सेविंग बैंक अकाउंट में 80 TTA में हमें 10,000 रुपये की डिडक्शंस मिलती है, तो वो हम यहाँ पे अपनी दिखा देंगे, ठीक है। इसको मैंने कर दिया सेव। उसके बाद आप आ जाएंगे यहाँ पे टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन पे, तो यहाँ पे हमारा 12,700 रुपये का टैक्स बन रहा है, तो अब सबसे पहले आपको पे करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको जाना है tin-nsdl.com पे, ये साइट नोट कर लें। अगर आपको कोई भी चालान बनवाना है लाइक TDS का या इनकम टैक्स का, तो आपको इसी साइट पे जाना है tin-nsdl.com। जैसे ही आप इस पे एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको ये स्क्रीन नजर आएगी, इसको आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ये आपको पैन वेरिफिकेशन मांगेगा, इसको भी आप कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। देन आपको जाना है सर्विसेज पे, सर्विसेज में जाने के बाद ई पेमेंट पे टैक्स ऑनलाइन पे क्लिक करना है आपको। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे एक और अलग से पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आपको चालान 280 पे जाना है। जब हम इनकम टैक्स सेल्फ एक्समेंट टैक्स की बात करते हैं तो हमें 280 बनवाना पड़ता है, तो प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमसे कुछ ऑप्शंस पूछेगा, आप कंपनी का टैक्स भर रहे हैं या फिर सेल्फ सर्विस करके अपना अदर देन कंपनी कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे 0021 को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप एडवांस टैक्स भर रहे हैं या फिर डिप्यूटेड प्रॉफिट का टैक्स है या डिप्यूटेड इनकम का टैक्स है या सेल्फ असेसमेंट करके आप टैक्स भर रहे हैं, तो अभी हम सेल्फ असेसमेंट करके भर रहे हैं इसलिए हम यहाँ सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे क्लिक कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद इन दोनों ऑप्शन को चूज करने के बाद लाइक 0021 इनकम टैक्स अदर देन कंपनी और 300 सेल्फ असेसमेंट टैक्स को क्लिक करने के बाद आपको नीचे आना है। यहाँ पे मोड ऑफ पेमेंट आपको चूज करना है, आप डेबिट कार्ड से कर रहे हैं या फिर इंटरनेट बैंकिंग से। मैं इंटरनेट बैंकिंग का यूज कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे अपना बैंक सेलेक्ट कर लिया SBI बैंक। देन परमानेंट अकाउंट नंबर, जिसका भी जिस SSC का भी हम इनकम टैक्स जमा कर रहे हैं उसका पैन नंबर आपको यहाँ पे मेंशन करना है। लाइक मैं अपना अगर भर रहा हूँ तो मुझे अपना पैन नंबर यहाँ पे डालना है, अगर किसी अदर पर्सन का मैं सेल्फ रिप्रेजेंट करके और तब उसका टैक्स भर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे उसका टैक्स यानी पैन नंबर डालना है, तो यहाँ पे हम पैन नंबर डाल देंगे लाइक दिस। सारी डिटेल्स आप भरते हुए थोड़ा ध्यान रखें, जो भी आपका एक्यूरेट पैन नंबर है वही भरें। उसके बाद असेसमेंट ईयर, जिस भी असेसमेंट ईयर का आप टैक्स भर रहे हैं, उसके बाद आएगा आपका एड्रेस, एड्रेस में फ्लोर नंबर, आपका बिल्डिंग का एड्रेस, ये देना मैंडेटरी नहीं है आपको, रोड स्ट्रीट लैंड ये देना मैंडेटरी है, प्लस आपको स्टेट सेलेक्ट करना मैंडेटरी है, डिस्ट्रिक्ट देना मैंडेटरी है, तो वो सारी चीजें जो मैंडेटरी है वो हम उसको फिल करेंगे। अदरवाइज ये ऑप्शनल है, ये आप चाहें तो भर सकते हैं, अगर नहीं चाहते ना भरे कोई इससे इश्यू नहीं आएगा। तो मैं यहाँ पे भर रहा हूँ अपना सिटी, इसमें बिहार मैंने लिया है, उसके बाद स्टेट में भी बिहार लेना है आपको, बिहार का पिन नंबर मेरा जो है वो यहाँ पे मैं मेंशन करूंगा, तो पिन नंबर पिन कोड हम अपने एड्रेस से भर देंगे लेकिन। देन ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ऑप्शनल है, आप चाहें तो भरें अदरवाइज आप इसे छोड़ भी सकते हैं। मैं मोबाइल नंबर डाल देता हूँ यहाँ पे, जो भी मेरा करंट में मोबाइल नंबर है। अब ये ध्यान रखना है कि आपको एक्टिव होना चाहिए, या तो आप पहले से कोड ले लें, वैसे कोड लेना मैंडेटरी नहीं है,
आप सीधा अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर अपना इस तरह से मेंशन करना है। उसके बाद आता है आपका कैप्शन कोड, तो सबसे लास्ट में दे रखा है आपको। तो ये कैप्शन कोड जो भी इमेज आ रही है ये आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, कैपिटल में है तो कैपिटल लेटर में भरेंगे, स्मॉल में है तो स्मॉल लेटर में भरेंगे। इसको भरते हुए ध्यान रखेंगे, देन प्रोसीड पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे आगे की इन्फॉर्मेशन के लिए आपसे प्रोसीडिंग मांगेगा, ये आपको यहाँ पे शो भी करेगा। फाइनेंशियल ईयर इज 18-19 फॉर द अबाव असेसमेंट ईयर सेलेक्टेड, हम उसने सेलेक्ट कर लिया है बाय डिफॉल्ट अपने आप, ठीक है। तो इसको अब हम ड्रैग डाउन करेंगे, ठीक है। नीचे करने के बाद ये मैं जैसे कि आपको बता ही रहा था कि फाइनेंशियल ईयर 18-19 के लिए कर दिया है हमने, तो नीचे आएंगे आई एग्री पे क्लिक करेंगे। आई एग्री पे क्लिक करने के बाद आपको सबमिट टू द बैंक पे क्लिक करना है। अभी आपको आपके बैंक की साइट पे लेके जाएगा, आप यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग, क्योंकि मैं इंटरनेट बैंकिंग से कर रहा हूँ, देन सबमिट पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद अपना यूजर नेम यहाँ पे मेंशन करेंगे, जो भी आपका यूजर नेम है, लाइक दिस। उसके बाद अपना पासवर्ड आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, देन लॉगिन पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे ये ट्रांजेक्शन डिटेल्स आपके सामने होगी। आप कर्सर को ड्रैग डाउन करें, कर्सर को ड्रैग डाउन करने के बाद आप अपने टैक्स की डिटेल यहाँ पे डालेंगे, कितना टैक्स आपको देना है, कितनी पेनल्टी लग रही है, कितना एजुकेशन सेस है, कितना इंटरेस्ट है। तो वो सारी चीजें हम फॉर्म से चेक कर सकते हैं, जो भी हमने आईटीआर का फॉर्म भरा था उससे। तो ये नीचे यहाँ पे दिखा रहा होगा मुझे सारी डिटेल्स इनकम टैक्स में, तो मैं यहाँ से उठा के देन वहां पे इसको फिल करता हूँ। 12,000 रुपए मेरा टैक्स था, 480 रुपए मेरा एजुकेशन एंड हेल्थ टैक्स है। उसके बाद ये सारे डिटेल्स मैं वन बाय वन भरूंगा। तो टैक्स में मैंने 12,000 रुपए मेंशन कर दिया है। उसके बाद एजुकेशन सेस 480 रुपए है मेरा, और पेनल्टी और इंटरेस्ट मेरा लग रहा है 248 और 124 रुपए है। तो एजुकेशन सेस एंड हेल्थ एजुकेशन सेस जो है मेरा वो 480 रुपए है, तो मैं यहाँ पे 480 रुपए डालूंगा, ये मैंने भर दिया। इंटरेस्ट मेरा बन रहा है 248 प्लस 124, इसका टोटल करके हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो ये यहाँ पे मुझे इंटरेस्ट अपना डालना है 372 रुपए, अदर कोई अमाउंट है नहीं। अब इसका यहाँ पे टोटल करके मैं यहाँ पे बता दूंगा जो मेरा टोटल आ रहा है 12,588 रुपए, यानी 12,588.5 था, तो उसको मैं राउंड फिगर में कर लूंगा, कंफर्म करूंगा। उसके बाद हम आ जाएंगे इस वाले ट्रांजेक्शन मोड में, इसको हम ड्रैग डाउन कर लेते नीचे आ जाते, तो ये टोटल अपने आप दिखा देगा 12,852 रुपए। इसको हम कंफर्म करेंगे, जैसे हम कंफर्म करेंगे यहाँ कंफर्म के बटन पे मैंने क्लिक किया, देन ये सारे ट्रांजेक्शन आईडी आपकी जनरेट हो जाएंगी। तो इसको आपको नोट करके रखना है, आप चाहें तो क्लिक हेयर टू सी द चालान पे क्लिक कर सकते हैं और पीडीएफ में से डाउनलोड करके रख सकते हैं। मैंने क्लिक किया, ये आ गया मेरा सारे डिटेल्स, बीएसआर कोड की रिक्वायरमेंट होगी, मुझे डेट की रिक्वायरमेंट होगी और चालान नंबर की, तो तीनों मेरे यहाँ पे दिखा रखे हैं। तो इनको मैं सक्सेसफुली यहाँ से जनरेट करके उठा लूंगा और देन अपने इनकम टैक्स की डिटेल में डालूंगा। तो चालान सेव करने के बाद आपके पास आ जाएगा, जैसा कि मैं यहाँ दिखा पा रहा हूँ आपको, बीएसआर कोड आ जाएगा, डेट आ जाएगी ट्रांजेक्शन की, चालान नंबर आ जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे फिल करनी है। तो चलिए कैसे फिल करनी है देखते हैं। टैक्स डिटेल्स पे आप आ जाएंगे, टैक्स डिटेल पे जाने के बाद सबसे नीचे आएंगे आप, बीएसआर कोड मांग रहा है यहाँ पे, तो बीएसआर कोड में आप यहाँ से ये जो कोड आया है आपको, ये जो कोड आपको मिला है 00132803, ये आप यहाँ पे डालेंगे। डेट ऑफ डिपॉजिट, डेट क्या थी डिपॉजिट की, वो आप यहाँ पे डालेंगे 6/5/2019, तो 6/5/2019 आप यहाँ से चूज कर लेंगे इस तरह से। चालान नंबर जो आया है आपका, वो चालान नंबर आप यहाँ से ले लेंगे 00156। टैक्स पेड, टैक्स कितना पेड किया है आपने, वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपने कितना टैक्स पे किया है। वो दिखा रहा है यहाँ पे 12,852 रुपए का, तो 12,852 रुपए का आपने टैक्स पे किया है, ठीक है। इसको आप सेव कर देंगे यहाँ से, तो ये डिटेल्स आपकी आ गई हैं, टोटल टैक्स आप भर चुके हैं, सारी चीजें आपकी मेंशन हो गई हैं यहाँ पे, ठीक है।
तो जब सारी डिटेल्स मेंशन हो गई हैं, तो बस अब लास्ट काम आपका बचता है। लास्ट काम करने के लिए आपको जाना है सबसे नीचे, ठीक है, सेलेक्ट में, यहाँ पे आई मोहम्मद इरफान जो भी आपका नाम है, डॉटर सन नेम, देन सेल्फ पे आप यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, ठीक है, देन यहाँ पे आप अपना प्लेस सेलेक्ट करेंगे। आई वुड लाइक टू ई वेरीफाई कराना है आपको पैन कार्ड के साथ अपना, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। प्रीव्यू एंड सबमिट पे आप क्लिक करेंगे। प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करने के लिए यहाँ पे आप अपने बिजनेस का नेम डाल सकते हैं, मिल्क डेयरी, देन आप यहां से इसको प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक कर सकते हैं, देन इसको आप करेंगे ओके। प्रीव्यू एंड सबमिट पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे, इसके बाद ये ओके का बटन आएगा, ओके पे आप क्लिक करेंगे, देन आपको यहाँ पे ये सारा प्रीव्यू दिखाएगा। अगर अभी भी आपको कोई करेक्शन करना है तो आप यहाँ पे एडिटिंग कर सकते हैं, अदरवाइज फाइनल सबमिशन के बाद कोई भी एडिटिंग इसमें नहीं होगी, ठीक है। ये सारी आपकी डिटेल्स यहाँ पे आ गई है, जो जो डिटेल्स आपने दी थी, ठीक है, इनको एक बार क्रॉस वेरिफिकेशन कर लीजिए। देन आपको यहां से फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको आधार ओटीपी मांगेगा, अगर आपको आधार ओटीपी जनरेट करना है देन इसको आपको कंटिन्यूसली पे क्लिक करना है।